So after taking all the important and useful properties of power and exponent, let's start the topic square. Sabse pehle, what is the meaning of square? Square is a word. The meaning of a square is number multiplied by itself. ठीक है, कोई भी number लीजिए. Let's say I am taking 5. तो 5 into 5 अगर हम करते हैं, then it is a square. कैसे? वो देखिए. यहाँ पर क्या है? Basis same है. The power of 5 is nothing, means it means 1. So I have kept 1 here. Bases are same. The operation is multiplication. Then what will happen? Power will be added. 5, 1 plus 1 is 2. So when you multiply 5 into 5, then what is the result? 5 to the power 2. Here, if I say 5 to the power 2, then it is also correct. And if I say it is 5 square, then it is also correct. So in short, now I'll use word, it is square of 5 or 5 square. ठीक है? तो अब हम जब भी 5 to the power 2 आएगा, means हम क्या बोलेंगे? से 5 का square or square of 5. And in other language, you can say the power of 5 is 2. But specifically, जब power 2 है, then we used to say square. ठीक है? कोई और example लीजिए, like I have 10. कोई power नहीं है, means 1 है. Bases same है, then power will be added. Now it is 10 to the power 2, but now I'll say it is 10 square or square of 10. Agar main square of 10 likhun or 10 to the power 2 bolun or the power of 10 is 2. सबका मीनिंग जो है वो सेम है, बट अब हम जो वर्ड यूज करेंगे फॉर 2, इट इज स्क्वायर. पावर में 2 होगा, देन इट इज स्क्वायर. नाउ इफ आई हैव एक्स, देन बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड, मींस एक्स टू द पावर 2. सो व्हाट आई विल से, एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब आप ध्यान अगर दें, पिछले क्लासेस में आपने स्क्वायर शेप पढ़ा है. And the area of a square is always side into side. Right? पढ़ा है हमने already previous classes में? Yes. Let's say side is 10 centimeter. तो हम क्या करते थे area निकालने के लिए? 10 centimeter into 10 centimeter. तो हम answer लिखते थे 100. But we never use centimeter. We always write either this or 100 square centimeter. Am I right? Yes. But जब हमें ये समझ नहीं आता था कि ये square क्या है, ठीक है? ये square कहाँ से generate होता था? ये 10 है, ये 10 है. इनकी power कुछ नहीं है. It means इनकी power क्या है? 1 है. Means ये आता था 10 to the power 2, which is 100. That's why we always wrote 100 square centimeter. Because 10 का multiply होता था, तो centimeter and centimeter का भी तो multiply होता था. And जब भी कोई चीज उसी number से या उसी चीज से multiply होती है, it will convert into square. Like x का जब x से multiply होता है, तो कैसे वो x square बन जाता है? Similarly, centimeter multiply by centimeter, तो वो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर 1 प्लस 1 मींस सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम हमेशा एरिया में यूनिट जो है वो स्क्वायर क्यों यूज करते थे. ठीक है, नंबर को तो हम मल्टीप्लाई कर लेते थे, बट जो भी यूनिट होता था, मीटर होता था, तो हम लिखते थे स्क्वायर मीटर. व्हाई? बिकॉज इट वॉज मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स. अगर ये मीटर होता था तो वो आंसर में मीटर स्क्वायर आता था, मींस स्क्वायर मीटर. किलोमीटर होता था तो आंसर वाज इन स्क्वायर किलोमीटर. फाइन, तो जब भी सेम नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल जनरेट स्क्वायर या पावर ऑफ 2. ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर. सिमिलरली
मैथ्स में एक और वर्ड होता है, दैट इज क्यूब। अभी उसके यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू शुड नो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। क्यूब, क्यूब मीन्स नंबर को 3 times मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, देन इट इज क्यूब। कोई भी नंबर, अगर वही नंबर 3 times मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए पावर क्या है, 1। अब आप पावर के रूल से तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 + 1 मीन्स एक्स टू द पावर 3, और यू कैन से द पावर ऑफ एक्स इज 3, बट नो, नाउ आई विल यूज द वर्ड फॉर 3 इज क्यूब, दिस इज एक्स क्यूब। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल लें, सेम क्यूब रहता था एंड आप इसका वॉल्यूम निकालते थे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल इंटू बी इंटू ए, सॉरी दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ए इंटू ए इंटू ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, क्या हो जाता था वॉल्यूम, ए क्यूब। जब हमें ये नहीं समझ में आता था कि ये ए टू द पावर 3 कहां से आया है, बट ये ए टू द पावर 3 कहां से आता था, ये पावर जो है वो ऐड हो जाती है, 1 + 1 + 1 विल बिकम 3, दैट्स व्हाई ए टू द पावर 3, एंड नाउ वी जनरली यूज वर्ड दिस क्यूब फॉर दिस। ठीक है, इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज क्यूब। जब इनकी यूनिट्स मल्टीप्लाई होती थी तब भी सेम यही होता था, लाइक एक 5 है तो 5 × 5 × 5, सो आंसर विल बी 125, 5 × 5 × 5 सेंटीमीटर में फॉर एग्जाम्पल, तो सेंटीमीटर आ जाएगा, तो आंसर इज 125, बट यूनिट इज क्यूबिक सेंटीमीटर, और आप ऐसा लिखते थे क्यूबिक सेंटीमीटर। आई थिंक अब आपको रिकॉल हुआ होगा, इन प्रीवियस क्लासेस हम वॉल्यूम जब भी निकालते थे तो हमें ऐसा लिखना होता था यूनिट की, हमारी टीचर हमें हमेशा बोलती थी विदाउट यूनिट वॉल्यूम और एरिया की कोई वैल्यू नहीं है, बट जब हम याद करके लिख देते थे तब हमें ये पता नहीं होता था कि ये कैसे आ रहा है। तो 5 का जब 3 times मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो 125 बन गया, मीन्स 5 to the power 3 हो गया, बट सेंटीमीटर का 3 times मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर की पावर 3 हो गई, और जब भी पावर 3 होगी तो वील यूज वर्ड क्यूब, एंड जब भी पावर 2 होगी देन वील यूज वर्ड स्क्वायर। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी था, तो अब आई होप कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नाउ द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, अ नेचुरल नंबर एन इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर ऑफ नंबर If there exists a natural number m such that n equals to m square। अभी ये डेफिनेशन कुछ अजीब सी लग रही होगी आपको, बट इसको हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो वो इजीली समझ में आएगी। अ नेचुरल नंबर n, नेचुरल है मीन्स 1 से स्टार्ट जितने भी नंबर होते हैं, मीन्स यहाँ पर 0 लेंगे क्या, नहीं, बिकॉज 0 से स्टार्ट होंगे तो इट विल बिकम अ होल नंबर, सो डेफिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ नंबर इफ देयर एग्जिस्ट अनदर नेचुरल नंबर m सच दैट n इक्वल्स टू m स्क्वायर। अब इसको नंबर के फॉर्म में देखें, लाइक आई हैव अ नेचुरल नंबर 4, ठीक है, 4 जो है इट विल स्क्वायर ऑफ 2, ये तो आपको अभी समझ में आ गया कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 एंड पावर ऐड होगी। अब मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूंगी, हम उसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2, बट ये आया कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 4, देयर इज अ नेचुरल नंबर 4, उसका वो हमेशा किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा, तो यहां पर वो किस नंबर का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है,
अनदर नंबर लेते हैं, देयर इज अनदर नेचुरल नंबर 9 विच इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 3. मीन्स दोनों नंबर नेचुरल ही होंगे, ये कंफर्म है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. आप इसका कुछ और केस लेके देखेंगे, नेचुरल नहीं है तो वो सॉल्व भी नहीं होगा. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल लाइक आई हैव 25, देन आई कैन इजिली राइट 5 to the power 2. लाइक आई हैव 36, देन आई कैन इजिली राइट 6 to the power 2, मीन्स स्क्वायर ऑफ 6. ठीक है, ऐसे देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल. कोई भी नेचुरल नंबर, हेयर नेचुरल नंबर इज 36 विच इज स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर. 6 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, सो 36 इज अ स्क्वायर ऑफ 6. तो डेफिनेशन सेज कि परफेक्ट स्क्वायर जब होगा जब वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना जरूरी है. ठीक है, अब हम ऐसा कोई केस लें कि जो स्क्वायर नहीं है, तब क्या होगा. लाइक आई एम टेकिंग लेट से 50, राइट. नाउ 50 के हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे. 2 25 5 5 5 1. नाउ 50 के इक्वल्स में हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 into 5 2. ये आपका क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे एंड इट विल बिकम 5 square. अब आप यहां ध्यान से देखिए कि डेफिनेशन यहां फुलफिल हो रही है नहीं. व्हाई, 50 इज 5 का स्क्वायर तो आ रहा है बट ये 2 का स्क्वायर नहीं है. जबकि डेफिनेशन सेज इफ देयर इज अ नेचुरल नंबर देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर, देन ओनली वी कैन से इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर. फाइन, तो यहां पर ये 5 का स्क्वायर तो आ रहा है पर ये 2 का नहीं है, तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे नहीं. ये नॉट इक्वल टू नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक आई पुट दिस, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लीजिए. लाइक आई एम टेकिंग 100, अब हम 100 को फैक्टराइज करेंगे. 2 50 25 5 5 and 5 1. अब देखिए ध्यान से, 2 into 2 into 5 into 5. सो नाउ आई कैन राइट 2 to the power 2 and 5 to the power 2. अब ये सॉल्व हो गया है नहीं. यहां पर पावर एक्सपोनेंट की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी. यहां पर क्या है, पावर सेम है एंड बेसिस डिफरेंट है और बीच में ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन. सो आई कैन राइट 2 into 5 to the power 2. वापस से प्रॉपर्टी रिवाइज कराती हूँ मैं आपको. x to the power m and y to the power m, देन आई कैन राइट xy whole to the power m. सो नाउ यू गॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पावर. 5 2 10 square. हमारा क्वेश्चन था 100 एंड द आंसर इज 10 square. फुल स्क्वायर आ चुका है, मींस वी कैन से दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, मींस परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने का क्या तरीका है कि जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, मींस उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो क्वेश्चन था वो आना जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, सम आर परफेक्ट सम आर नॉट परफेक्ट, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. So I'm taking one example. In this we have to check which are perfect square and which are not, right? कुछ हम ले लेते हैं A, it is 500. B, individually हमें ने check करना है कि these are perfect square or not. C, 225. And D is, let's say, 1000. ठीक है, फर्स्ट यहां पर हम क्या करें, चेक वेदर दे आर परफेक्ट और नॉट. चेक फर्स्ट इज 500. 500 को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 500 के फैक्टर निकालेंगे. 2 से दिया हमने डिवाइड, 250, अगेन 2 से दिया, 125. नाउ 5 से, 5 5 25 एंड 5 1 5. जब तक फैक्टराइज करेंगे, जब तक लोएस्ट टर्म में मींस 1 तक फैक्टराइज करते जाएंगे. सो नाउ द फैक्टर ऑफ 500 इज 2 into 2 into 5 into 5 into 5.
एंड वन आपको लिखना है तो लिखें, नहीं लिखें तो स्किप भी कर सकते हैं. नाउ द पावर ऑफ टू इज वन, सबकी पावर क्या है, वन है. ये जो दो टू है इट विल गिव यू टू टू द पावर टू, मीन्स टू स्क्वायर. पावर का प्रॉपर्टी लगाया हमने, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो गई, एड हो गई. सिमिलरली फाइव टू द पावर टू, बट ये एक फाइव एक्स्ट्रा आ रहा है. जबकि डेफिनेशन क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर की, कि जो भी आपके नंबर आ रहे हैं उनका स्क्वायर होना जरूरी है. क्यों, बिकॉज डेफिनेशन सेज इफ देयर इज अ नेचुरल नंबर एन देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर. ठीक है, तो 500 को अगर हम देखें तो ये स्क्वायर में तो आ रहा है बट एक्स्ट्रा एक 5 आ रहा है, जबकि यहां पर क्या होना कंपलसरी है, 2. तो मींस एक 5 की कमी है यहां पर, देयर इज अ लैक ऑफ 1 5, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो अवर क्वेश्चन वाज चेक वेदर दे आर परफेक्ट और नॉट, तो ए के लिए आपका आंसर होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ए इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर को इन शॉर्ट वी ऑलवेज यूज एस क्यू. नाउ सेकेंड इज 625. सो वील फैक्टराइज 625. ये तो 5 से देंगे हम, 5 1 5 125 525 5 5 and 5 1. ये हमारा फैक्टराइज हो गया. नाउ वी कैन राइट 625 इज इक्वल टू 5 × 5 × 5 × 5. 1 को आप स्किप कर सकते हैं. नाउ 1 1 1 1, सो आई कैन राइट 5 to the power 2 and 5 to the power 2. पावर सेम है, मीन्स 25 to the power 2. सो 625 का जो आंसर आ रहा है इट इज इक्वलेंट टू 25 to the power 2. What it shows, if we multiply 25 by itself, means 25 multiplied by 25 will always give you 625. So B के लिए आपका आंसर क्या होगा? Yes, this is a perfect square. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, Yes, this is perfect square. Now we'll check the third one. Third one is 225. फिर इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 5 से डिवाइड देंगे, 5 4 20 5 5 25 5 9 45 3 3 and 3 1. फैक्टराइजेशन से तो आप बहुत कंफर्टेबल है. 225 इज इक्वल टू 5 × 5 × 3 × 3, मीन्स इट इज 5 square and 3 square. पावर्स आर सेम, बेसिस आर डिफरेंट, so we can like in write in this way. So it is 15 to the power 2, means 15 square. So 225 is equivalent to 15 square, means when we multiply 15 to 15 then we'll get 225. So yes, this is a perfect square. Now last one is 1000. मैं आप इसको नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. लास्ट वन, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, नाउ 1000 इसको हम फैक्टराइज करेंगे. 2 5 10 2 250. नाउ 5 से देना होगा हमें 5 5 5 0, 5 10 5 2 1. So the factor of 1000 is 2 × 2 × 5, कितनी बार आ रहा है, 3 बार, एंड एक और 2. ठीक है, दीज ऑल आर फैक्टर. इसको हम दो दो का पेयर ले लें, ये 2 square हो जाएगा × 5 square. बट ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है जिनका स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर होना जरूरी है. सो क्या 1000 परफेक्ट स्क्वायर है? नो, बिकॉज यहां पर एक 5 और होना चाहिए था एंड एक 2 और होना चाहिए था जो यहां पर नहीं है. मींस देयर आर शॉर्टेज ऑफ 1 5 एंड 1 2, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. राइट,
सो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया जिसमें हमने चेक किया वेदर दे आर परफेक्ट और नॉट परफेक्ट.